नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल मध्य प्रदेश के एक केस का दूसरा और आखिरी भाग। स्मिता शर्मा, एक सरकारी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल पर जानलेवा हमला हुआ था और वो कोमा में चली गई थी। सर, जब तक ये कपिलनाथ वाले नए एंगल से कुछ मिल नहीं जाता, तब तक हमारा प्राइम सस्पेक्ट गगन शर्मा ही रहेगा। कपिलनाथ 8 साल पहले कलीग था स्मिता का इस मद्रा देवी स्कूल में। 8 साल पहले स्मिता की शादी भी नहीं हुई थी। हो सकता है तब की दुश्मनी अब निकाल रहा हो। गहरी दुश्मनी रही होगी दोनों के बीच। पता नहीं सर, झगड़ा किस बात पे हुआ होगा, लेकिन स्कूल तो स्मिता को ही छोड़ना पड़ा था ना। मैं तो यही कहूंगा कि मैं और स्मिता दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं थे। कुछ डिफरेंसेस थे हमारे बीच में, लेकिन ये तो 8 साल पुरानी बात है। और उसके बाद मैं आज नाम उसका सुन रहा हूँ। बात क्या है? किस बात को लेकर अनबन थी आप दोनों के बीच? वो टेम्प्रेरी थी और मैं परमानेंट। उसने हर पैंतरा अपनाया और मुझ पर वाहियात इल्जाम लगाए, वो जैसे तैसे करके परमानेंट हो जाते थे। किस तरह के वाहियात इल्जाम लगाए आप पर कपिलनाथ? यही कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, पेपर्स लीक करता हूँ, प्राइवेट ट्यूशन देता हूँ, थोक के भाव इल्जाम और सब गलत। शर्मा, इसके 6 महीने के सारे फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और एक खबी लगा दो, मुझे इसकी पूरी जिंदगी के रिकॉर्ड्स भी चाहिए। यस सर। जी हाँ इंस्पेक्टर, कपिलनाथ और स्मिता नागर आए दिन एक दूसरे की शिकायत करते रहते थे। किस बारे में? स्मिता कहती थी कपिल सिंसियर नहीं है और कपिल कहता था स्मिता ओवर स्मार्ट है। हमेशा एक दूसरे की खामियां निकालते रहते थे। उन दोनों के बीच क्या कोई और भी रिश्ता था? मेरा मतलब है कि लड़ते हुए कलीग होने के अलावा, जिसके टूटने से प्रोफेशनल अनबन शुरू हो गई। आपके इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इस बारे में सचमुच मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि दोनों के बीच में नफरत के अलावा कुछ होना नामुमकिन था। स्मिता शर्मा, मेरा मतलब स्मिता नागर को रिजाइन करने के लिए कहा गया था क्या? स्मिता हमारे यहाँ एक टेम्पररी पोजीशन पर थी। जब वो पोजीशन की जरूरत नहीं रही तो हमने स्मिता को रिलीव कर दिया। लगता है कपिल और स्मिता के बीच स्कूल वाली दुश्मनी के अलावा कुछ और नहीं था। वो भी 8 साल पहले खत्म हो चुकी है। कपिल नफरत करता था स्मिता से। ये भी हो सकता है कि 8 साल बाद उसे मौका मिला हो अपनी नफरत निकालने का, खलास निकालने का। क्या कोई मिला हो जो स्मिता का दुश्मन हो, नफरत में डूबा हो? शर्मा, वो कहते हैं ना, तेरा दुश्मन अब मेरा दुश्मन या दुश्मन का दुश्मन दोस्त। सॉरी सर, स्मिता शर्मा पर हुए अटैक में कपिल को इन्वॉल्व करती हुई कोई साजिश सामने नहीं आ रही है। हमेशा स्कूटर लेकर जाती थी, सिर्फ उस दिन कार ले गई। मैं कार लेके स्कूल जा रही हूँ, कुछ काम है। स्कूल से निकलने के पहले स्मिता की फोन पर किसी से बात हुई थी। हेलो। स्मिता और गगन के रिश्ते लगभग टूट चुके थे। हो सकता है स्मिता का कोई अफेयर, ऐसा अफेयर जो उसकी बुरी शादी से कीमती साबित हुआ। हो सकता है सर उस दिन वो अपने प्रेमी से मिली, जिसका नतीजा ये हो गया। शर्मा, ये नंबर 444-77-8799। इसकी IMEI ट्रैकिंग की कोई खबर? अभी तक नहीं है सर। क्या इम्प्रूवमेंट है, प्लीज बताइए मुझे। काफी इम्प्रूवमेंट है आपके वाइफ की हालत में मिस्टर शर्मा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। वाइटल पैरामीटर्स अब लगभग नॉर्मल हो गए हैं। ये वाइटल पैरामीटर्स का मैं क्या करूंगा, अचार डालूंगा क्या? डॉक्टर, आप ये बताइए कि वो कोमा से कब बाहर निकलने वाली है। मिस्टर शर्मा, आप एक एजुकेटेड आदमी हैं, सो प्लीज बिहेव लाइक वन। और अगर आप इंस्टेंट इलाज चाहते हैं तो बेशक अपनी वाइफ को कहीं और ले जा सकते हैं। और अगर कोई किसी को चुटकी बजाकर कोमा से निकाल सकता है तो मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूं। दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं और आप है कि पता नहीं बेटा, डॉक्टर्स ने कहा है कि थोड़ा वक्त और लगेगा।
मम्मी के साथ ऐसा किसने किया होगा? नहीं पता बेटा। पापा, आप मम्मी से प्यार नहीं करते ना? ऐसा नहीं है बेटा, कभी कभी दो लोगों के बीच कुछ ठीक नहीं होता, वो हर बात पे झगड़ा करते, उनकी सोच नहीं मिलती, और ये प्यार व्यार बहुत मुश्किल चीज है। आप जब बड़े हो जाओगे तो सब समझ जाओगे। और हाँ, अगर दो लोग एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचते, लड़ाई करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते। अब आप सोचो। स्मिता की कोमा अवस्था जारी है। मर्डर के इरादे से हुआ उस पर अटैक रहस्य की चादर में लिपटा हुआ है। पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग या सबूत मिल नहीं रहा था जो हमलावरों की तरफ इशारा कर सके। और सबसे बड़ा सवाल था, क्यों? इस हमले के पीछे कारण क्या था? पुलिस के पास बस अब एक ही उम्मीद थी, उस मिस्टीरियस कॉलर के हैंडसेट की ट्रैकिंग। उन्हें उम्मीद थी कि सिम कार्ड फेंकने के बाद भी वो व्यक्ति वही हैंडसेट इस्तेमाल कर रहा होगा, और ये ट्रैकिंग उन्हें शायद हमलावरों तक ले जाएगी। सर, सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ से अभी अभी फोन आया था, 444-7-8-7-99 वाला जो नंबर था उसका जो हैंडसेट था वो अभी भी यूज में। किस नंबर पर एक्टिव है? लोकेशन क्या है? थोना में कोई सिद्धेश्वर गुप्ता है। एड्रेस है? है सर। फोन लगाऊं? नहीं सर, हम कॉल नहीं करेंगे, खुद जाएंगे। सिद्धेश्वर जी, 4-4-4-5-7-8-6-7-7 ये आपका नंबर है? जी हाँ। कहाँ है आपका मोबाइल फोन? कब से इस्तेमाल कर रहे हैं आप ये मोबाइल? जी तकरीबन 2-3 साल से। आपके पास और कोई नंबर है जो आप इस मोबाइल में इस्तेमाल करते हो? जी नहीं, एक ही नंबर है और एक ही मोबाइल है। कोई और भी इस्तेमाल करता है आपके इस मोबाइल को? हाँ, मेरा बेटा कभी कभी इस्तेमाल करता है। कहाँ है आपका बेटा, करता क्या है, नाम क्या है उसका? जी फिलहाल तो घर पे नहीं है, ड्राइवर है, रमेश नाम है उसका, रमेश गुप्ता। रमेश जी, वही जो स्कूल टीचर शैलजा सिंह के यहाँ ड्राइवर है? जी हाँ। आप उसे कैसे जानते हैं? अभी तो हम उसे ठीक से जानेंगे। ये बताइए कि इस वक्त आपका लाडला है कहाँ? अपने मंगेतर ममता से मिलने के लिए गया है पचमा, कल से गया है, अब तक लौटा नहीं। सर उसका फोन भी स्विच ऑफ है। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब, हुआ क्या है? यही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या है। आप जल्दी से ममता का पता बताइए। इस ड्राइवर का क्या हाथ हो सकता है शर्मा? वो स्मिता शर्मा को ड्राइविंग सिखा रहा था। तो उसकी जान का प्यासा क्यों हो गया? हो सकता है सर वो सिर्फ मोहरा हो, चाल किसी और ने चली हो। ममता यहीं रहती है? जी मैं उसका पिता हूँ। इस वक्त कहाँ है ममता? कल मिलकर गया था रमेश, कुछ हो क्या? क्या इस वक्त वो कहाँ है? थूना में होना चाहिए, यही तो कहकर गए थे हमसे। झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? हाथ जोड़ता हूँ साहब, बता दीजिए क्या किया है रमेश ने? जुर्म किया है उसने, बहुत बड़ा जुर्म। ऐसा ना कहिए साहब, एक हफ्ते में शादी है मेरी बेटी की उससे, वो बहुत भला आदमी है। रमेश का फोन बंद है,
रात भर से गायब है वो, ना यहाँ है ना उसके पिताजी के घर। तो कहाँ गया रमेश? कुछ पता होता तो जरूर बताती। शर्मा, घर के बाहर दो कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दो और एक लेडी कांस्टेबल भी। जी सर। अगर रमेश का फोन आता है या वो यहाँ पर आता है तो तुम लोग उसे कुछ नहीं बताओगे कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, बस हमें इतला कर दोगे कि वो कहाँ पर है। शर्मा, ममता तुझसे उसने कुछ कहा है? सच बोल, तू कुछ जानती तो नहीं है ना उसके बारे में? नहीं बापू, मैं कुछ नहीं जानती, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हे भगवान, जाने क्या किया इस लड़के ने। सर उसने कुछ चुराया नहीं, स्मिता की पहचान मिटाने की कोशिश नहीं, सिर्फ मोबाइल वहीं क्राइम सीन पर तोड़कर फेंक दिया। स्मिता को शायद किसी के बारे में ऐसी कोई जानकारी थी जो शख्स के लिए भारी पड़ सकती थी। हो सकता है उसने रमेश को पैसे दिए हो स्मिता को ठिकाने लगाने के लिए। हो सकता है सर। रमेश गुप्ता, स्मिता शर्मा की कलीग शैलजा का ड्राइवर जिसने स्मिता को ड्राइविंग सिखाई थी, अब इस अटेम्प्ट टू मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट बन गया था। पुलिस इसी सोच में थी कि आखिरकार रमेश की स्मिता से क्या दुश्मनी हुई होगी, वो उसकी जान लेने की कोशिश क्यों करेगा। फोरेंसिक डिपार्टमेंट दावे के साथ कह रहा था कि कार में दो लोग और थे, तो फिर वो लोग कौन थे? मुझे सच में नहीं पता कि रमेश की स्मिता से क्या दुश्मनी थी। वो आपका ड्राइवर है? एक अरसे से मेरा ड्राइवर है, और हाँ, मैंने ही रमेश को बोला कि स्मिता को ड्राइविंग सिखा दे, क्योंकि स्मिता ने खुद मुझसे हेल्प मांगी थी। फिलहाल हमारा प्राइम सस्पेक्ट आपका ड्राइवर रमेश है। इस अटैक में दो लोग और भी शामिल थे, क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्मिता शर्मा की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, पर्सनल या प्रोफेशनल? मुझे कोई आइडिया नहीं ऑफिसर, और सच कहूं तो ये रमेश वाली बात मेरे लिए टोटली शॉकिंग है। अभी कल शाम तक तो वो अच्छा खासा ड्यूटी पर था, फिर आज से छुट्टी ले ली। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि अगले हफ्ते उसकी शादी है? जी बिल्कुल, इसीलिए उसने छुट्टी ली है और एडवांस भी ले रखा है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि रमेश इतने सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व है। वो रमेश था या जो भी उसका नाम था, वो मेरी पत्नी को सिर्फ ड्राइविंग सिखाता था। इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या था मैं नहीं जानता। उनके बीच कोई अनबन हुई थी, कोई झगड़ा? स्मिता और मेरे बीच में इतने झगड़े थे कि हम हार्डली बात करते थे। फिर वाला रमेश के साथ हुए झगड़ों के बारे में वो मुझे क्यों बताएगी? हम एक घर में रहकर भी अजनबियों की तरह रहते थे। सर मैंने रमेश के फोन रिकॉर्ड्स मांगे तो ना मैं उसके घर पे सर्विलेंस शुरू कर दिए और उसकी मंगेतर के घर भी पचमा में। उसने एक भी पैसा नहीं चुराया, बैग जो का त्यों छोड़ दिया, बस स्मिता के मोबाइल को चूर चूर कर दिया। प्लान क्या था, इरादा क्या था रमेश का? सर मैंने रमेश का बैकग्राउंड चेक किया है तो ना मैं भोपाल के बाकी पुलिस स्टेशन में और हमारे यहाँ भी उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। रमेश के मोबाइल रिकॉर्ड से जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। ये क्या रमेश? मैं अभी चिल्ला के लोग चिल्ला मत, चिल्ला 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 मत, मुझे फोन दे मैडम, मुझे मोबाइल दे दीजिए मैडम, मुझे निकाल मोबाइल, मुझे फोन दे दो मैडम, मुझे फोन दे दो, अरे मुझे फोन।
सर ये है रमेश के फ़ोन रिकॉर्ड्स। सर ये दो नंबर हैं जिन पर लगातार हर दो घंटे में उसकी बात हुई, लगता है बहुत करीब हैं ये तीनों। नाम क्या है इन दोनों का? गोपाल और सुनील। लेकिन इन दोनों का अटैक से क्या वास्ता? सर अटैक की शाम ये दोनों नंबर की लोकेशन क्राइम स्पॉट को मैच करती है, और रमेश जो दूसरा फोन यूज़ कर रहा है वो भी वहीं आसपास था। एड्रेस है इन दोनों नंबर का? मेरा मतलब गोपाल और सुनील का। हाँ सर, तो नाम ही है। जब रमेश ने स्मिता शर्मा पर हमला किया, क्या तुम दोनों उसके साथ थे? थे या नहीं? थे साहब। रमेश ने स्मिता शर्मा पर हमला क्यों किया? क्यों जान लेना चाह रहा था उनकी? क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? और ये लोग कौन है? दोनों फ्रेंड है मेरे, दोनों भोपाल जाना चाह रहे हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो दोनों को लिफट दे दूं। ठीक है। प्लान क्या था? रमेश स्मिता शर्मा की जान लेना क्यों चाह रहा था? साहब रमेश का दिमाग गर्म था, उसकी शादी टूट जाती साहब। हम ना मतलब उसके बचपन के दोस्त हैं, उसने हमें अपनी सारी बात बताई और बोला हेल्प कर दो। किस बात की हेल्प? हाँ, स्मिता शर्मा की जान लेने से रमेश की ममता के साथ शादी का क्या वास्ता था? पहले तो बड़ा उछल रहा था, मैंने ये किया मैंने वो किया, अब आ गई ना गले में आफत। अबे ड्राइवर था तो ड्राइवर ही से मतलब रखता ना। अरे फिसल गया था यार, बहक गया था, हो गई गलती। अब जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपनी पूरी लाइफ तो बर्बाद नहीं कर सकता ना। कैसी गलती की थी रमेश ने? उसका स्मिता शर्मा के साथ क्या कनेक्शन है? साहब स्मिता शर्मा मैडम ही अपने रमेश की गलती थी, उसका उसका अफेयर चल रहा था उस मैडम के साथ। साहब जब उन दोनों का शुरू हुआ तो रमेश बड़ी बड़ी छोड़ता था, रोजाना नए नए किस्से मजे लेकर सुनाता था, लेकिन धीरे धीरे वो फंसता गया साहब। आपको बताया था ना पहले न्यूट्रल लगाना है, न्यूट्रल ये होता है न्यूट्रल, ये होता है न्यूट्रल। हाँ ऐसे। हाँ साहब रमेश धंसता गया और फंसता गया, दूसरी तरफ उसके माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी।
भी रमेश के बच्चे, ममता से चुपचाप कर ले शादी, वो एक अच्छी लड़की तेरा घर बसाएगी। और जो तेरा अफेयर चल रहा है ना मैडम के साथ, उसका दी एंड कर दे और नई जिंदगी की शुरुआत कर। वो बड़े लोग हैं, ऊपर से वो शादीशुदा औरत, बेटा वो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करेगी और कुछ नहीं, तुझे सिर्फ खिलौना समझती, खिलौना। अब वक्त आ गया कि अपनी इस मोटी अकल का इस्तेमाल कर। साहब, अपना रमेश आदमी बुरा नहीं है, सच में वो बहक गया था, उस स्मिता मैडम की मुट्ठी में बंध गया था। लेकिन वो स्मिता शर्मा को मारना क्यों चाह रहा था, ताकि उसका ये अफेयर किसी के सामने ना आए? नहीं साहब, रमेश को हमने जैसा समझाया था वो वैसा ही करना चाहता था, वो स्मिता मैडम के साथ सारे रिश्ते तोड़ना चाहता था। जी पिछले एक हफ्ते से मैं तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, तू मेरा फोन नहीं उठा रही। मैं आपको बता चुका हूँ ना, जो कुछ भी हुआ है अब और नहीं करना है। मैं नहीं आ सकता मैडम। क्यों नहीं आ सकते? भूख मिट गई, मन भर गया, से उठा के फेंक दिया मुझे, है ना? ऐसा नहीं है, मतलब मैडम मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। फोन पर मैं माफ नहीं, घर आओ मिलो फिर सोचो माफ करना है या नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, इस बार धोखा नहीं देना। शादी कर रहे हो? जी। तुम जानते भी हो कि आपके कुएं में कूदने जा रहे हो? जो भी हो मुझे करनी है, मुझे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी है, ये सब नहीं सोचा था मैंने, बस हो गया, मुझे मुझे माफ कर दीजिए मैडम। एक बार मेरी आंखों में देखो और देखकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ऐसे ही छोड़ दोगे मुझे? आंखों में देखने की औकात नहीं है मेरी, आप बहुत बड़ी हैं और मैं कुछ नहीं, हाथ जोड़ता हूं मैं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। क्या क्या कह रहे थे? शादी करनी है, घर बसाना है, हमसे पीछा छुड़ाना है, ठीक है जो मन करे कर लो, शादी करना है शादी कर लो, घर बसाना है घर बसा लो, बस हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? फिसल गया था यार, बहक गया था, हो गई गलती, जो भी हुआ उसके लिए अपनी लाइफ तो बर्बाद नहीं कर सकता ना, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अबे दोबारा उसके पास गए क्यों? अबे क्या करता, माफी मांगनी थी, ये सारा का सारा चक्कर खत्म करना था। देख तू उसकी शर्त मान ही मत, अब दोबारा मत जाना उसके पास। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब भाई जाना पड़ेगा, मैं कैसे बताऊं क्या कर दिया उसने, मतलब अरे बोलना क्या कर दिया उसने। हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? इसके बाद हम नहीं मिलेंगे मैडम। अच्छा, हम कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे ये सिर्फ मैं तय करूंगी, समझे? मैडम मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ, आप मेरी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। आदमी हो ना मेरे आदमी, मैं तुम्हें शादी वादी करने से कहाँ रोकूं, और ना ही मर्दों की तरह कह रही हूँ कि मैंने ये किया वो किया या ये नहीं किया, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जब भी मैं कहूँ तुम यहाँ आ जाना। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, कोई पालतू कुत्ता नहीं हूँ कि जिस तरह जब मन चाहे आप मेरे साथ खेलेंगे। खेलो। तुम्हारी आदत हो गई है मुझे, लत लग गई, जब भी मुझे तलब लगेगी तुम्हें यहाँ आना होगा, मैं जब भी लव स्टोरी देखूं तुम्हें यहाँ आना होगा।
रमेश ने मैडम को फोन करके अगले दिन मिलने की बात की। हमारा इरादा सिर्फ वो फोन छीन लेने का था, लेकिन लेकिन क्या? क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम आप मुझे अपना फोन दीजिए। फोन क्यों? आप मुझको इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं इस तरह डर डर कर नहीं जी सकता। ओ मैडम जी, आप जैसी स्कूल टीचर को ये सब हरकतें शोभा नहीं देती। मोबाइल दे दीजिए रमेश को और भूल जाइए आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ। बंदे की शादी है, 10 दिनों में नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला है। और देखिए, वैसे भी आप शादीशुदा है मैडम। तो तुम अपने साथ इन दो गुंडों को लेकर आए मुझे धमकाने के लिए? हाँ, और तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे धमकाओगे और मैं डर जाऊंगी? तुम भी ना रमेश, अगर मैंने अपनी जुबान खोल दी ना, पुलिस स्टेशन में जाके सिर्फ इतना बोल दूं कि तुमने मेरा रेप किया है, तो तुम्हारा क्या होगा? आपका फोन सपने में भी नहीं मिलेगा। आउट। बेहतर इसी में है कि निकल जाओ, वरना मैं चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और उसके बाद तुम लोगों का जो हश्र होगा ना, सोच भी नहीं सकते। ये क्या रमेश, मैं अभी चिल्ला के लोगों को चिल्ला मत, चिल्ला चिल्ला, मुझे फोन दे मैडम, मुझे मोबाइल दे दीजिए मैडम, फोन दे दो मैडम, मुझे फोन दे दो, अरे मुझे फोन। कल से एक नई पारी शुरू। इस वक्त कहां है रमेश, बता दो, वो ज्यादा दूर भाग नहीं सकेगा, जल्दी बता दो, नहीं तो तुम दोनों जिंदगी भर चल भी नहीं सकोगे। साहब, सीहोर के एक लॉज में। पापा ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दीदी ऐसा कुछ करेंगी, वो भी 2% के ड्राइवर के साथ। स्मिता पर हुए अटेम्प्ट टू मर्डर के पीछे का कारण वाकई शॉकिंग था। रमेश के खुलासे पर कोई यकीन नहीं कर रहा था,
लेकिन पुलिस के पास इस बात के ठोस सबूत थे कि अटैक तो रमेश ने ही किया था। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को मिले बाल के सैंपल और ब्लड के सैंपल दोनों रमेश से मैच कर गए थे। फिलहाल इन सभी सबूतों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी हो रही है। रमेश, गोपाल और सुनील इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। स्मिता कोमा से बाहर आई लेकिन कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उसकी स्पाइनल कॉर्ड काफी डैमेज हो गई थी, वो थोड़ा भी हिलडुल नहीं पा रही थी और कुछ ही दिनों में वो दोबारा कोमा में चली गई। गगन शर्मा, स्मिता का पति, दिन रात अस्पताल में स्मिता के ठीक होने का इंतजार कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है। इसमें कोई दोराय नहीं कि रमेश ही इस हमले का मुजरिम है, लेकिन रमेश का स्टेटमेंट तब तक मायने नहीं रखता जब तक इस सारे अफेयर वाले एंगल की पुष्टि ना हो जाए, कोई एविडेंस ना मिल जाए। पर एक सच ये भी है कि उसका इरादा कत्ल का बिल्कुल नहीं था। उसने स्मिता के पैसों और गहनों को छुआ तक नहीं, उसने उसके फोन को चूर चूर कर दिया और उसी जगह पर छोड़ दिया। रमेश का पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इस केस की सच्चाइयों के जितने भी पहलू हैं वो वक्त के साथ धीरे धीरे सामने आएंगे। जब दो लोगों के बीच का फासला बढ़ता है, मिलन का क्षितिज ओझल हो जाता है, तो फिर ऐसे रिश्ते में रहने में क्या समझदारी है? क्या ऐसे रिश्ते दस्तक नहीं कि दर्द और दरारें नासूर बन सकते हैं, जिंदगी के साथ साथ जान को भी निगल सकते हैं? अगले हफ्ते क्राइम पेट्रोल फिर देगा दस्तक। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।